Welcome back to everyone on my YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. Dear friends, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले वादा किया था तो एक क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेगमेंट रखूंगा, जिसमें मेरे जितने भी कमेंट करने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जिसने मेरे वीडियो पर कमेंट किया, उन सभी के कमेंट का मैं जवाब दूंगा ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़, ये जो पूरा क्लीन आपको सेव दिख रहा है, एक्चुअली मैंने 3 साल के बाद सेव किया, क्लीन सेव आफ्टर 3 ईयर। कैन यू बिलीव दिस? मैंने बियर्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ट्रिमिंग की, बहुत सारे डिज़ाइन रखे, बट फाइनली आज मैंने सोचा मुझे क्लीन सेव करनी, सो आई डिड इट। डियर फ्रेंड्स, चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले से वादा किया था कि एक क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेगमेंट रखूँगा, तो वो सेगमेंट ये है और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन है पहेलियाँ। वाह, व्हाट अ गुड नेम ऑफ चैनल, पहेलियाँ। सर, मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए कैसे बनूँ। पहेलियाँ जी, यूट्यूबर बनना कोई मतलब आसान काम नहीं है। आप फटाक से चैनल बना लोगे और आप यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आपको यूट्यूबर वाकई में बनना है, आप दिल से चाहते हो बनना, अगर आपके पास कुछ खास कंटेंट है जिसके बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज़, या तो टूर एंड ट्रैवल्स का हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, ग्रूमिंग भी हो सकता है, उसके बाद अनबॉक्सिंग भी हो सकता है, टेक्निकल चीज़ जो भी हो, आप में सबसे पहले ये देखना होगा जो मुझ में ऐसा क्या है जो मैं उस टॉपिक पे बना सकूँ और वो सबसे बेस्ट हो। तो वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट क्या है? आप यूट्यूबर बन सकते हो, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइबर तभी मिलेंगे जब आपका मैटर बहुत ही तगड़े होंगे, तभी आपके पास सब्सक्राइबर हो आएगा। तो हो सक शायद आपको जवाब मिल गया होगा जो मैंने अभी दिया है आपके क्वेश्चन का जवाब। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ अभी। दूसरा क्वेश्चन है पिक्सल टीवी। वो सब तो ठीक है भाई, ये बताओ कौन से यूट्यूबर की नकल करते हो? अच्छा, तो पिक्सल टीवी जी, मैं आपको बता दूं, मैं किसी यूट्यूबर का नकल नहीं करता हूं। ये मेरा खुद का कंटेंट है, मेरी खुद की एक्सप्रेशन है, मेरे खुद का वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। मैं खुद अपने आप को प्रेजेंट करता हूं खुद से, मैं किसी का नकल नहीं करता हूं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाइस क्वेश्चन। उसके बाद है ज्ञान स्लेट। सर, आपके मन पसंदीदा 5 यूट्यूबर्स कौन कौन हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ज्ञान स्लेट। मेरा सबसे पसंदीदा यूट्यूबर, जो सबसे ज़्यादा मैं जिसको लाइक करता हूँ, वो है मुंबई कर निखिल। यस, आपने सही सुना, मुंबई कर निखिल। मुंबई कर निखिल को मैं बहुत एडमायर करता हूँ एंड उसके जितने भी ब्लॉग आते हैं मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं भी टूर एंड ट्रैवल्स ब्लॉग से हूँ, वो भी टूर एंड ट्रैवल्स ब्लॉग से हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, फुल टाइम यूट्यूबर है। और बंदा बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने चैनल को बहुत ऊपर तक ले गया है और बहुत जल्द ले गया वो। मैं उसके जितने भी ब्लॉग थे मैं बहुत पहले से देखता हूँ। जब उसने लद्दाख की वीडियो बनाई थी अपने बाइक पे ऑन रोड, तो मैं तब से उनको जानता हूँ और तब से मैं उनका ब्लॉग देख रहा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं है जो बंदा अपना वीडियो अपलोड ना करे, वो एक भी दिन मिस नहीं करता। वो रेगुलर वीडियो बनाता है, रेगुलर अपलोड करता है, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसकी जो एंकरिंग है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो जो बोलता है ना, वो जो प्रेजेंटेशन है, वो उसकी बहुत ही तगड़ी है। इसलिए उसका चैनल बहुत कम समय में बहुत ही ग्रो किया और आज के डेट में इंडिया के बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर में आते हैं मुंबई करने के लिए। और दूसरा मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है बीवी की वाइन। बीवी की वाइन में बहुत ही शुरू से देखता हूँ, बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही फनी वीडियो बनाते हैं वो, और मेहनत भी वो उतना ही करते हैं, क्योंकि एक बंदा 4 कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, तो आप सोच सकते हैं एक एक एक्सप्रेशन देना, सेम टाइम रिएक्शन देना और सेम टाइम पे शूट करना, भले ही वो 1 by 1 करता हो बट कंटिन्यूटी का ख्याल रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बीवी की वाइन, उसको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। और तीसरा जो सबसे उभरता हुआ, सबसे फास्ट यूट्यूबर और हंगामा मचा देने वाला यूट्यूब की दुनिया में, खास करके इंडिया में, वो है अमित भड़ाना। अमित भड़ाना ऐसे शख्स है जिसने कम समय में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लाए हैं यूट्यूब में। उनका जो वीडियो है, उनका जो कंटेंट है,
बहुत ही ज़बरदस्त है, उसकी एक्टिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त है, तो मैं उनको भी बहुत लाइक करता हूँ। अगर टेक्निकल फील्ड में आते हैं तो टेक्निकल गुरुजी, वो सबसे ज़्यादा फेमस अभी यूट्यूबर की दुनिया में, इवन इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और उसको बहुत सारे लोग मानते भी हैं। टेक्निकल गुरुजी, टेक अनबॉक्सिंग, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सबके टेक वो करते हैं, सबके अनबॉक्सिंग वो करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पास अप्रोच करते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा हाँ आर वन। एक यूट्यूबर का नाम मैं बोलना भूल गया, जो मैं भी आपको बोलना चाहूँगा, वैसे चार ही यूट्यूबर के बारे में मैंने आपको बताया अभी तक और आपने पांच यूट्यूबर के बारे में पूछा क्वेश्चन, तो पांचवा यूट्यूबर है सैनी श्रेष्ठ, जो कि वो भी ब्लॉगर है, बॉम्बे से है वो, और निखिल के वीडियो में अक्सर आप उसको देखते होंगे, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और सैनी श्रेष्ठ के जो भी जितने भी ब्लॉग आते हैं, मैं टोटली तो नहीं देखता हूँ बट कुछ कुछ ब्लॉग देखता हूँ, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं जगह को, अच्छे अच्छे से अच्छे उनको बताते हैं ताकि हम आम पब्लिक को उन तक अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये है सैनी श्रेष्ठ का कमाल। तो ये था ज्ञान स्टेट का। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मेन्यू फॉर शॉपिंग, बिहारी बोलते हैं लगता है बिहार से हैं। अच्छा भाई, बिहार से कौन से यूट्यूबर को आप एडमायर करते हैं? मेन्यू फॉर शॉपिंग, ओके, तो मेन्यू फॉर शॉपिंग जी, मैं आपको बता दूँ, ऑब्वियसली मैं बिहार से हूँ एंड आई प्राउड माई सेल्फ दैट आई एम बिहारी, ओके। एंड सेकेंड थिंग, बिहार से एक यूट्यूबर जिसको मैं जानता हूँ, पर्सनली तो नहीं जानता बट समटाइम मैं उसके व्लॉग्स, उनके वीडियो को देखता हूँ, और वो ब्लॉगर है, बोल रहा हूँ माई स्मार्ट सपोर्ट, करेक्ट, माई स्मार्ट सपोर्ट उसका चैनल का नाम है और उसका नाम है धर्मेंद्र कुमार। वो टेक के भी रिव्यू करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, वो सारे तरह के कंटेंट वो यूज़ करते हैं धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र जी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहारी बिहारी भाई भाई, ऑब्वियसली इज माई बिग ब्रदर, वो बहुत ही सीनियर है मुझसे और यूट्यूब की दुनिया में बहुत पहले से हूँ, तो धर्मेंद्र जी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। क्योंकि और एक चीज़ मैं धर्मेंद्र जी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो, जितने भी नॉलेज हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो या जो आने वाले हो, वो हर एक का अपडेट बड़े करेक्ट टाइम में देता है। जिसके नॉलेज मुझे नहीं होती और सब यूट्यूबर्स को नहीं होती, वो नॉलेज हमारे धर्मेंद्र साहब के पास होती है। तो वो जैसे ही वीडियो अपलोड करते तो मैं फटाक से देखता हूँ कोई नया अपडेट तो नहीं आया यूट्यूब का, कोई नया रोल तो नहीं आया है। तो धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आप रेगुलर अपडेट करते हैं आप अपने ब्लॉग में नए नए वीडियो, सो रियली थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड स्टेट, तुम बॉम्बे में मुंबई कर निखिल को मिले हो क्या? आई लव दैट गाय। तो कोड स्टेट जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुंबई कर निखिल से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, बिकॉज आई एम न्यू यूट्यूबर, कुछ ही महीने हुए हैं मुझे यूट्यूब में आने आना अभी, तो अभी तक मैं मुंबई कर निखिल से नहीं मिल पाया हूँ, बट आई होप फ्यूचर में मैं उनसे ज़रूर मिलूँ और हो सकता है साथ में कोलैब भी करूँ, साथ में एक वीडियो भी बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ साथ में, आई डोंट नो कब, बट मेरी इच्छा होगी मुंबई का निखिल के साथ एक कोलैब करूँ। तो ये था आपका सवाल का जवाब। और दूसरा दूसरा सवाल लेता हूँ, ये चैनल है वारकोडेक्स, उनका कहना है आशीष संचलानी बीवी की वाइन की तरह कुछ कॉमेडी करिए ना। टफ क्वेश्चन वारकोडेक्स जी, आशीष संचलानी और बीवी की वाइन जैसे कॉमेडी एक्चुअली मैं भी नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज माय साइड वाइज अपना एक्टिंग का जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें टाइम देता हूँ, और फिर दूसरे सेगमेंट में अपना ब्लॉगिंग करता हूँ टूर एंड ट्रेवल्स का जो आप लोग देखते हैं, तो फिर दो तीसरे कंटेंट पे आके मुझे काम करना कॉमेडी पे, तो वो नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज टाइम ही नहीं मुझे मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग से भी टाइम नहीं मिलता है, एक्टिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो कॉमेडी में कहाँ से दूँ। बेटर है आप आशीष संचलानी को देखिए, बीवी के वाइन देखिए, अमित भड़ाना को देखिए, आप उनसे ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे, मुझसे नहीं, तो बेटर टू सी दैट गाइज, एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक हब, ये चैनल का नाम है पौराणिक हब,
विच फीमेल यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया यू लाइक द मोस्ट? गुड क्वेश्चन। मैं सैनी श्रेष्ठ और सजल कुमार को बहुत ही लाइक करता हूँ। उन दोनों का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त आता है और रेगुलर मैं देखता भी हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, बिकॉज वो लोग सीनियर यूट्यूबर हैं और मैं उनसे बहुत ही जूनियर हूँ, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। और उन लोगों को बहुत मैं मानता भी हूँ, उनके हालांकि ब्लॉग को मैं देखता हूँ। तो ये मेरे दो चहेते और मेरे जो बहुत ही मतलब क्या बोले, मेरे पसंदीदा फीमेल यूट्यूबर जो इंडिया से है, सैनी श्रेष्ठ और सैजल, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वो है कुमारी कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 1000 सब्सक्राइबर, टेक्निकल गुरु जी से गोल्ड प्ले बटन जल्द मिल जाए और क्या। ओह माय गॉड, आपने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी मेरे लिए, थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, आई थिंक आज से दो सप्ताह पहले। उसका मैंने एक पर्सनल वीडियो भी बनाया है, वो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। और बोलते हैं टेक्निकल गुरु जी जैसे गोल्ड प्ले बटन जल्द मिल जाए, वेरी टफ। बोले कितना मेहनत की है गोल्ड प्ले बटन लाने के लिए, अब मुझे समझ में आ रहा है। पहले तो समझ में नहीं आता था, समझ लेता था जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूं ही मिल जाते हैं, बट बॉस इट्स वेरी हार्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर लाना बहुत ही मुश्किल है। और कोशिश करूँगा गोल्ड प्ले बटन लाने का। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो गोल्ड प्ले बटन आएगी। सो प्लीज़ गो ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इन वन मसाला, सेम क्वेश्चन पूछ रहे, विच फीमेल यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया यू लाइक द मोस्ट? तो सर मैं आपको बता दूँ, वन एन मसाला सैनी श्रेष्ठ जिसका नाम कि मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ, सैजल का पहले नाम ले चुका हूँ, वो दो फीमेल यूट्यूबर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और मैं रेगुलर उनका ब्लॉग देखता भी हूँ। तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर पहले भी मिल चुका है और फिर से मैंने आपको दे दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा कुमारी का, यूट्यूब से कितना कमा सकते हैं महीने में, 10-20 हज़ार? मनीषा जी, यूट्यूबर बनना पहली बार तो बहुत मुश्किल है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा, बहुत ही यूज है इंटरनेशनल लेवल तक, और इससे कितना कमा सकते हो 10-20 हज़ार? डियर मनीषा जी, मैं आपको बता दो, इससे 10-20 हज़ार तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है, एक एक यूट्यूबर महीने में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तक कमाते हैं। 10-20 हज़ार कुछ नहीं, उसका एक दिन का खर्च यूँ निकल जाता है, तो आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, एक्चुअली इसका नाम ही रोशन है। ये पूछते हैं, आज के तारीख में बीवी के वायन टेक्निकल गुरुजी मुंबई के निखिल आशीष हंचलानी जैसे यूट्यूबर बनना आसान है क्या? ओ भाई साहब, ये बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम आपने लिया है और इसके जैसे बनना इजी बात नहीं है। टेक्निकल गुरुजी, बीवी की वाइन, मुंबई के निखिल के जैसे बनना, आशीष हंचलानी के जैसे बनना, वो लोग आज से 2-2 साल 3-3 साल पहले से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, कंटेंट पे काम होती है, स्टोरी पे काम होती है, पूरा दिन रात वो लोग लगे रहते हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने में। तो आप लोग सोच सकते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना नॉट ए ईजी जॉब। सो दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए, जो बड़े यूट्यूबर बनना बहुत ही आसान है, नो डे माई डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। हाँ जी, सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन थे, जो जो क्वेश्चन रिपीट था वो सब क्वेश्चन का जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया, बिकॉज रिपीट क्वेश्चन का एक ही सवाल को बार बार मैं उसका जवाब दूँ या आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको उसका जवाब मेरे इसी ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। तो बेटर है आप लोग समझ गए होंगे
आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। जितने भी कमेंट्स में सवाल थे सबका जवाब मैंने दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दिए गए जवाब से आप लोग सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। अगर कुछ और कसर बाकी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे फिर से कमेंट कीजिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेगमेंट रखूँगा और फिर से मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा पक्का। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेगमेंट, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो और आप लोगों को जवाब मिल गया हो। ऐसे ही आप लोग ब्लॉग देखते रहिए और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो टू ऑन माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी लिखिए, अगर अच्छा लगा हो तो वो भी लिखिए, बट एटलीस्ट वीडियो देखिए, बिकॉज जब आप देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा, करेक्ट। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में आता हूँ एक अच्छा सा ब्लॉग के साथ, एक अच्छे जगह पे जाके मैं अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जो आप चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा वो मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे के थ्रू। सो डियर फ्रेंड्स, आज का सेक्शन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है बट मैं बहुत कोशिश किया इसको शॉर्ट में बनाने का, लेकिन सबके क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी था, इसीलिए सबका क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये वीडियो लंबा बन गया, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बट देखिए एनीवे थैंक यू सो मच आप लोगों का कमेंट का, आप लोगों का प्यार का, आप लोगों का दुआ का, ऐसे ही चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।